बच्चों, हम अब तक पढ़ते आए हैं कि पदार्थ यानी कि मैटर, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनमें परमाणुओं के अरेंजमेंट के आधार पर हमने इनकी आकृति और आयतन के बारे में चर्चा भी की है। जैसे कि ठोस की एक निश्चित आकार आकृति होती है और एक निश्चित आयतन भी होता है, जबकि वही हम द्रव और गैस को देखें तो इनकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता, लेकिन द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, जबकि गैस का तो एक निश्चित आयतन भी नहीं होता। पर द्रव और गैस में दोनों में कॉमन ये है कि दोनों बह सकते हैं, यानी कि इन्हें जिस बर्तन में रखो, जिस कंटेनर में रखो, ये उसके आधार पर अपनी आकृति और आकार को चेंज कर लेते हैं। और दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि द्रव और गैस दोनों में ही बहने का गुण होता है, और इसीलिए द्रव और गैस को हम एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखते हैं और इसे हम तरल कहते हैं, यानी कि फ्लूइड्स। वैसे तरल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, तो ये दोनों ही प्रवाहित हो सकते हैं, बह सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम फ्लूइड यानी कि तरल के नाम से पुकारते हैं। अब ये द्रव दो कंडीशन में हो सकते हैं, द्रव स्थिर भी हो सकता है, द्रव गतिशील भी हो सकता है। और बच्चों, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर द्रव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम द्रव स्थैतिकी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स के नाम से पुकारते हैं। और भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिमान द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स यानी कि द्रव गतिकी के नाम से पुकारते हैं। इस चैप्टर में हम द्रव से जुड़े हुए यांत्रिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने मैटर यानी कि द्रव्य से जुड़े हुए एक आंतरिक गुण के बारे में चर्चा की थी, जिसे हम प्रत्यास्था के नाम से जानते हैं। प्रत्यास्था किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विरूपक बल के हटने पर वापस अपनी आकृति और आकार को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो हमने पिछले चैप्टर में ठोस की प्रत्यास्था के बारे में चर्चा की थी। बच्चों, इस प्रत्यास्था गुणांक के हमने तीन रूप देखे थे। पहला था यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो कि केवल ठोस में ही संभव है, क्योंकि इसमें हम किसी ऐसे पदार्थ की प्रत्यास्था के बारे में चर्चा करते हैं जो लंबाई के रूप में हो, यानी कि एक तार के रूप में हो, और ऐसा तो केवल ठोस में संभव है। और उसके अलावा हमने दो और प्रत्यास्था गुणांक के बारे में चर्चा की थी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक। ये दोनों ही प्रत्यास्था गुणांक हमने ठोस में देखे थे। अब बात करते हैं हम द्रवों की। तो बच्चों, हमने कहा कि द्रव में बहने का गुण होता है, इसका मतलब यदि द्रव की सबसे नीची सतह को देखें और सबसे ऊपर की सतह को देखें, तो द्रव की सबसे ऊपर की सतह नीचे वाली सतह की तुलना में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती यदि उस पर कोई स्पर्श रेखीय बल लगाया जाए, यानी कोई टेंजेंशियल फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स उस पर लग रहा है तो द्रव बहना शुरू कर देता है। नीचे की सतह का वेग कम रहता और ऊपर की सतह बहना प्रारंभ करती है सबसे पहले। तो इस प्रकार यदि हम द्रव की दृढ़ता गुणांक को देखें तो वो नगण्य ही माना जाता है, क्योंकि द्रव तो बहना प्रारंभ कर देता है। और द्रव यानी लिक्विड के लिए एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि उसकी कोई अपनी आकृति आकार तो नहीं होता, इसीलिए वो जिस बर्तन में रखी जाती है वो उसके आकार को ग्रहण कर लेती है, लेकिन उस द्रव का अपना एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है, इसीलिए उसका एक निश्चित आयतन रहता है। यदि हम एक निश्चित आयतन के द्रव को लिक्विड को एक ग्लास में यदि डाल रहे हैं तो वो ग्लास के आकार की जरूर हो जाएगी, लेकिन जितना उसका आयतन है वो निश्चित रहेगा, क्योंकि इस द्रव का लिक्विड का एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है। जबकि वहीं हम गैस की बात करें तो इसका कोई भी स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होता, इसीलिए इसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम तरल से जुड़े हुए उसके यांत्रिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी तरल को हम संतुलन की अवस्था में कब कहते हैं।
जब तरल को किसी भी पात्र में रखा जाता है तो इसके परमाणु सदैव इसके पृष्ठ पर बल आरोपित करते रहते हैं। हम जानते हैं कि चाहे वो द्रव हो चाहे वो गैस हो, इसके परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। इसके कारण इसके परमाणु हमेशा आपेक्षिक गति करते रहते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, और ये इसी गतिशील अवस्था में होने के कारण सदैव जिस पात्र में रखा जाता है उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं, यानी कि उसकी दीवारों पर बल आरोपित करते रहते हैं। ये दीवारों का से बल आरोपित कर रहे हैं इसका मतलब केवल उसकी दीवारों पर ही नहीं करते बल्कि उसके आधार पर भी, यानी कि उसकी सतह पर भी बल को आरोपित करते हैं। और कोई भी तरल संतुलन की अवस्था में कहा जाता है यदि वो इनके पृष्ठ पर लंबवत बल आरोपित कर रहे हों। या हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी तरल यदि संतुलन की अवस्था में होता है तो वो जिस पात्र में रखा गया है उसके दीवारों पर सदैव लंबवत बल आरोपित करता है। यदि मान लीजिए मैं लिक्विड्स की बात कर रही हूँ, हमने कोई भी द्रव लिया है, हम उसे संतुलन कब कहते हैं? जब उसमें कोई भी उथल पुथल ना हो, वो एकदम क्वाइट हो, काम हो, शांत हो, तो हम कहते हैं कि वो संतुलन की अवस्था में है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि वो क्वाइट है, एकदम शांत है? इसका मतलब वो जिस पात्र में रखा गया है उसकी दीवारों पर लंबवत बल आरोपित कर रहा होगा। क्योंकि बच्चों पहले हम किसी भी कॉन्सेप्ट को उस रूप में समझने का प्रयास करते हैं जिस रूप में हम उसे देखते आए हैं, और उसके बाद हम उसे भौतिकी के लैंग्वेज में या यूं कहें विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो कन्फर्म है कि यदि कोई भी लिक्विड जिसकी बात हम कर रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में, मतलब उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही होगी। तो मान लीजिए हम एक लिक्विड लेते हैं जो इस पात्र में रखा गया है। अब परिभाषा के अनुसार हमने क्या जाना कि यदि ये संतुलन की अवस्था में होगा तो ये दीवारों पर, इसकी सतह पर लंबवत बल आरोपित करेगा। और इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके जस्ट विपरीत अवधारणा को लेकर चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहां पर बल लंबवत काम नहीं कर रहा है। हम इस पात्र पर इसका आधार देखते हैं जिसे हम RS नाम से दर्शा देते हैं, और इस RS पृष्ठ पर हम कोई एक बिंदु लेते हैं O। परिभाषा के अनुसार इस O बिंदु पर लंबवत बल कार्य करना चाहिए इस लिक्विड के द्वारा, लेकिन हम क्या मानकर चलेंगे कि इस पर लंबवत बल कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। मान लीजिए हम यहां पर यह डायरेक्शन लेते हैं P से लेकर O। इस बिंदु पर ये लिक्विड इस आधार पर RS पृष्ठ पर बल आरोपित कर रहा है। हम जानते हैं बच्चों बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा हम दिखाएंगे, तो इसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। अब किसी भी सदिश को हम उसके दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, तो यहां पर भी उसके दो घटक बनाएंगे हम। यहां से हम देखें, मान लीजिए जो बल आरोपित कर रहे इस आधार पर ये कोण थीटा है। अब जब हम बल के दो घटक वियोजित करेंगे तो इस प्रकार ये दो लंबवत घटक होंगे। एक होगा इस RS पृष्ठ के समांतर जिसे हम R cos थीटा से डिनोट करेंगे, और दूसरा होगा R sin थीटा जो इस पृष्ठ RS के लंबवत होगा। बच्चों हमने न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी पढ़ा है, उससे हमने ये जाना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि ये लिक्विड इस पात्र के आधार पर RS जिसे हमने लिया है उस पर कोई बल आरोपित कर रहा है तो ये पृष्ठ भी बराबर तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करेगी। हम बात करें बिंदु O की जिस पर बल इस डायरेक्शन में आरोपित हो रहा है, तो प्रतिक्रिया बल यानी कि R जो कि F के बराबर होगी पर F से जस्ट विपरीत होगी, तो इस प्रतिक्रिया बल की दिशा इस प्रकार होगी R। और किसी भी वस्तु का भार या बल हम कहते हैं उसकी प्रतिक्रिया बल के कारण ही होता है, तो यहां पर हम यदि F को दर्शा रहे हैं तो प्रतिक्रिया बल R उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रकार हम देखें तो इस प्रतिक्रिया बल को भी हम दो भागों में वियोजित कर सकते हैं,
एक होगा r cos थीटा और दूसरा होगा r sin थीटा। ये जो r cos थीटा है ये f cos थीटा के बराबर ही है, जबकि हम r sin थीटा की बात करें तो ये f sin थीटा के बराबर ही है। चाहे हम f का cos घटक देखें चाहे r का cos घटक देखें, ये दोनों ही पृष्ठ rs के समांतर हैं। जबकि r sin थीटा और f sin थीटा इन दोनों घटकों को हम देखें तो ये दोनों rs पृष्ठ के लंबवत हैं। चाहे किसी भी रूप में हम चर्चा करें, यहाँ पर जो रिजल्ट है हमको सेम मिलने वाला है। मैं दोनों को इसलिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि आप अलग अलग बुक को यदि रिफ़र करोगे तो किसी में इस टॉपिक को प्रतिक्रिया के आधार पर समझाया गया और किसी में इस टॉपिक को बल के आधार पर, जो कि इस ये लिक्विड इस आर एस पृष्ठ पर लगा रहा है उसके आधार पर समझाया गया है। तो किसी भी आधार पर इसको समझने का प्रयास करें, परिणाम आपको वही मिलेगा। तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर आर के घटकों के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप देखेंगे ये जो आर कॉस घटक है इसके सापेक्ष ये लिक्विड आर एस की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। चाहे यदि हम एफ कॉस थीटा को देखें तो लिक्विड एस आर की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, मतलब लिक्विड बहने का प्रयास कर रहा है। पर ये लिक्विड तो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था है मतलब अभी ये शांत है, क्वाइट है। इसका मतलब ये जो r cos थीटा ये f cos थीटा घटक हैं, इनके होते हुए भी इस लिक्विड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये घटक वहाँ पर शून्य हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं r cos थीटा या फिर f cos थीटा बराबर ज़ीरो। यहाँ पर f या r ये तो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि बल तो आरोपित हो रहा है, प्रतिक्रिया बल भी लग रही है। इसका मतलब cos थीटा बराबर शून्य होगा, और cos का मान कब शून्य होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो कुल मिलाकर हम देखें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब यदि हम बल की दिशा देखें तो ये इस RS पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब संतुलन की स्थिति होती है, द्रव में कोई भी गति नहीं होती है, उस कंडीशन में वो द्रव जिस पात्र में रखा गया है उसकी दीवारों पर, उसके आधार पर हमेशा लंबवत बल आरोपित करता है। अब बच्चों हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, तरल दाब यानी कि फ्लूइड प्रेशर। ये फ्लूइड जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस पर ये लंबवत बल आरोपित करते हैं उनके पृष्ठों पर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, बच्चों अभी हमने चर्चा की कि जब हम किसी तरल को किसी पात्र में रखते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर हमेशा लंबवत बल आरोपित करता रहता है, और एकांक क्षेत्रफल में आरोपित इसी लंबवत बल को ही हम तरल दाब के नाम से जानते हैं, यानी कि फ्लूइड प्रेशर। तो इस प्रकार हम देखें फ्लूइड प्रेशर बराबर हो जाएगा, यानी तरल दाब बराबर होगा आरोपित लंबवत बल जो कि पात्र के पृष्ठों पर होगा अपॉन क्षेत्रफल। बल को हम फोर्स कहते हैं जिसे हम F से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल को एरिया। तो इस प्रकार तरल दाब का सूत्र होगा P बराबर F अपॉन A। अब बच्चों इसका SI मात्रक देखते हैं। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो तरल दाब को, फ्लूइड प्रेशर को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से नापते हैं, और इसका CGS मात्रक देखें तो यह होगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने तरल दाब के ऊपर गहन अध्ययन किया, और इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हम तरल दाब का एक नया मात्रक भी लिखते हैं जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। और पास्कल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर पी से, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम के आधार पर रखा गया है, और जितने भी मात्रक वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो पास्कल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर ए से। वैसे बच्चों दाब का हम एक और मात्रक भी लेते हैं, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। और इस वायुमंडल और पास्कल में भी एक संबंध है, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। और इस संबंध से हम देखें तो एटमॉस्फेयर पास्कल से बड़ा है, और इसीलिए ही बड़े मात्रक के रूप में वायुमंडल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम तरल दाब के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तो हमने ये जाना कि जो तरल है
जिसमें जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके पृष्ठों पर ये लंबवत बल आरोपित करते हैं। और यह हमने देखा कि इस दिशा का बहुत ही महत्व है, ये बल हमेशा लंबवत ही पृष्ठ पर काम करता है। और हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, और अभी हमने सूत्र से देखा दाब बराबर लंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल। अब इसके आधार पर मुझे ये बताइए कि ये जो तरल दाब है ये कौन सी राशि है, सदिश या अदिश? और यहां पर बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख लेते हैं कि दाब एक सदिश राशि है। मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे बच्चों कि दाब एक सदिश राशि होगी। पर बच्चों ऐसे ही हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कार्य। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके आधार पर विस्थापन जैसा होता है उसी के आधार पर हम कार्य को तय करते हैं। और उस समय भी हमने ये जाना कि बल तो जरूर दिशा वाली राशि है यानी एक सदिश राशि है, पर कार्य अदिश राशि है। वैसे यहां पर भी यदि हम दाब की बात करें तो बल भले ही सदिश हो लेकिन दाब अदिश राशि होती है। अब यह दाब अदिश राशि क्यों होती है इसको हम डिटेल में पास्कल के नियम का जब अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे। बच्चों एक फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि हम दाब को अदिश इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी तरल में यदि हम देखें तो ये दाब का मान हर बिंदु पर उस तरल के लिए समान होता है। यह डिपेंड नहीं करता कि उस तरल के अंदर बिंदु कहाँ पर है, और इसीलिए यहाँ पर दिशा का महत्व हट जाता है और हम दाब को अदिश राशि की श्रेणी में रखते हैं। और हम अपने दैनिक जीवन में मोस्टली ठोसों के द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है उसके संपर्क में ज्यादा आते हैं, इसलिए हम ठोस से जुड़े हुए कुछ दाब के उदाहरण देखते हैं। आप कभी सर्कस गए हैं? सर्कस में आप देखे होंगे कि जो कलाकार होते हैं कई तरह के करतब दिखाते हैं। शायद आपने इसमें से एक कर्तव्य ऐसा भी देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो जमीन पर लेटा होता है और उसके ऊपर कई लंबी लकड़ियों की शीट्स रख दी जाती है यानी कि प्लाइज रख देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर से हाथी को चलाया जाता है और फिर भी वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। लेकिन साधारण तौर पर यदि प्लाई को हटा दिया जाए और उसके ऊपर से हाथी को चलाया जाए तो उस व्यक्ति की एक भी हड्डी पसलियां नहीं बचेगी, निश्चित रूप से वो डैमेज ही हो जाएंगी। तब सोचिए कि उन प्लाइज को रखने पर ऐसा क्या होता होगा। हम जानते हैं बच्चों दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो दाब का संबंध है वो क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रम अनुपाती का है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर दाब का मान कम हो जाएगा। तो जब हम प्लाइज रख देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर तो प्लाइज का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसीलिए जो बल आरोपित होता है ये पूरे प्लाई पर फैल जाता है, और इसके कारण ही हम देखेंगे तो उस व्यक्ति पर लगने वाला दाब का मान कम हो जाता है और वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। ऐसे ही आपने एक और उदाहरण देखा होगा, जो कराटे मास्टर्स होते हैं वो एक शॉट में ही 3-4 ईंटों की परत को तोड़ डालते हैं। आप देखे होंगे कि जब ईंटों को वो तोड़ते हैं तो उनके हाथ की पोजीशन क्या रहती है, वो हाथ को इस प्रकार रखते हैं और ईंटों पर ऐसा वार करते हैं। क्या कभी आपने किसी कराटे मास्टर को देखा हो जो ईंटों को इस तरीके से तोड़ देते हो? इस तरीके से वो ईंटों को कभी तोड़ ही नहीं सकते। जब आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो मैक्सिमम क्षेत्रफल मिलता है, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उस समय प्रेशर कम हो जाएगा और जब वो प्रेशर ईंटों पर पड़ेगा तो वो इतना नहीं होगा कि वो ईंटों को तोड़ सके। लेकिन जब आप हाथ को ऐसे रखते हैं क्षेत्रफल कम कॉन्टेक्ट में आता है जिसके कारण अधिक प्रेशर लगता है और वो ईंटें टूट जाते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंटेड चाकू है और दूसरा फ्लैट, हम दोनों को एक ही हाइट पर रख दिए, मतलब दोनों की जो एज है वो एक ही लेवल पर है, और यदि आप उस पर अपना हाथ रखें और उसे दबाएं, हाथ मत रखिए, यहाँ पर आप कोई वस्तु ले लीजिए सॉफ्ट जो कि उस चाकू से आसानी से कट सके। अब जब हम उसे दबाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पॉइंटेड वाली चाकू होती है उस वस्तु के अंदर घुस जाएगी और जो फ्लैट वाला चाकू है वो उस
वस्तु के अंदर नहीं घुस पाएगा। कारण क्या है यहाँ पर भी, जब हम पॉइंटेड वाली चाकू की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम होने के कारण वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा। जबकि फ्लैट वाली चाकू को हम देखें तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण उसके द्वारा आरोपित दाब का मान कम होगा और इसीलिए वो वस्तु के अंदर नहीं घुस पाएगा। अपने बच्चों कीला देखा जिसे हम लकड़ी में ठोकते हैं, उस कीले का एज भी देखिएगा, वो पॉइंटेड होता है। जिस कभी कभार हम ऐसा कीला लाते हैं जिसका एज पॉइंट नहीं होता और वो थोड़ा सा मोटा या ब्रॉड होता है, और उससे हम ठोकने का प्रयास करें तो वो घुसता ही नहीं है। इसमें हम ऐसे कीले को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। हम कौन सा कीला इस्तेमाल करते हैं जिसका एज एकदम पॉइंटेड हो और उस पर जब हम बल लगाते हैं तो वो आसानी से लकड़ी के अंदर घुस जाता है। कारण यहाँ पर भी वही है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है तो प्रेशर अधिक डालता है और इसीलिए वो लकड़ी के अंदर घुस जाता है। और एक तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल आप सभी बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जो स्कूल बैग लेकर आते हैं आप देखे होंगे जिसकी सहायता से उसको टांगा जाता है वो स्ट्रिप्स मोटी होती है। आप ऐसे ही बैग का चुनाव करते हैं जिसकी स्ट्रिप मोटी हो, आप कभी ऐसा बैग नहीं लेंगे जिसकी स्ट्रिप पतली हो। यदि आप ऐसे बैग का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आप पर वो बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा, उसके दबाव के कारण आपके कंधों पर निशान आ जाएंगे और आपके कंधे दुखने लगेंगे। लेकिन जब मोटी स्ट्रिप वाली बैग का इस्तेमाल किया जाता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण उसके द्वारा लगाया गया दाब का मान कम हो जाता है। बल तो बच्चों वही लगेगा, क्योंकि आपके बैग के अंदर जितनी आपने बुक्स रखी है उसका भार जितना होगा उतना तो बल आपको लगना ही लगना है, चाहे पतली स्ट्रिप वाली बैग लो चाहे मोटे स्ट्रिप वाली बैग लो। तो बल का मान तो दोनों स्थिति में समान होगा, फर्क किसका आ रहा है, क्षेत्रफल का। तो मोटे स्ट्रिप वाले बैग को लटकाना आपके लिए ज्यादा आसान होता है। वैसे ही यदि आप हाथ में पकड़ने वाला बैग यानी कैरी बैग आप लेके जाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे यदि उसका हत्था मोटा रहता है तो आपको भारी वजन उठाने में सहूलियत होती है। जबकि वही यदि पतली सी रस्सी या डोरी हो, भले वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि मोटा इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि अगर वो पतली होती तो कमजोर होती और टूट जाती। लेकिन हम ऐसे धातु का बना रहे हैं जो कि पतली और मजबूत हो, फिर भी हम वहां पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यदि ज्यादा भार लटकाया जाए यानी बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो आपके हाथों पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा और इसीलिए उस प्रेशर के कारण आपके हाथों में निशान हो जाएंगे और उसको कैरी करना आपके लिए बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि दाब से जुड़े फॉर्मूले से यानी P = F/A से हमने ये जाना कि यदि बल का मान समान रहे तो प्रेशर का मान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि प्रेशर को रिड्यूस करना हो तो हमको क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। बच्चों पिछले चैप्टर में हमने ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका मात्रक इस प्रेशर के मात्रक जैसे ही था, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे हमने प्रतिबल के नाम से जाना था। तो आइए देखते हैं कि प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है। दाब और प्रतिबल में अंतर, दाब प्रतिबल यह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है जिसका मान पूरे पृष्ठ पर एक समान होता है। यह भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है किंतु इसका मान भिन्न भिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न होता है। दाब एक प्रकार का प्रतिबल है जो पदार्थ के केवल आयतन में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं। प्रतिबल आयतन के साथ साथ आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। यदि दाब पदार्थ के अंदर की ओर कार्य करता है तो धनात्मक, किंतु यदि पदार्थ के बाहर की ओर कार्य करता है तो ऋणात्मक लिया जाता है। प्रतिबल हमेशा धनात्मक होता है। दाब के कारण आरोपित बल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। प्रतिबल पृष्ठ के लंबवत हो या आवश्यक नहीं है।